40 नंबर में पास करना था। 40 नंबर में पास। हाँ, लेकिन मेरा मार्क्स आया है 50। 50 आया, उसके बावजूद भी नहीं, नहीं उसके बावजूद भी हमको जॉब रिजल्ट नहीं आया। 1200 सीट वैकेंट है, फिर भी सर ने मेरा रिजल्ट नहीं दिया है। और URF में सीट रहते हुए भी उन्होंने हमें रिजल्ट नहीं दिया। मुझको 58 मार्क्स है। 58 मार्क्स है। हाँ, 39 में पासिंग है, उसके बावजूद भी नहीं है। नहीं है, एक सीट पर एक ही का रिजल्ट हो। अच्छा। बस हम लोग का मेन मुद्दा ये, सरकार को अतुल प्रसाद जी का डरन है। अच्छा। संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम, विज्ञापन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जल्दी रिजल्ट दिए। अरे सर जी रिजल्ट दिए हैं, लेकिन विज्ञापन में लिखा हुआ है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अच्छा। और ये आप कह रहे 1 कैंडिडेट अनेकों रिजल्ट। अतुल सर तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले इंसान है, बहुत ही जेन्युइन इंसान है। उन्होंने एग्जाम भी बहुत जेन्युइन तरीके से लिया, इसलिए उनसे इतनी उम्मीद है, तभी आज मैं BPSC के गेट के सामने खड़ी हूँ। अधिकांश सीटें जो 9th-10th का है वो खाली रह जाएंगी। अच्छा। बहाली नहीं पूरी हो पाएंगी। अच्छा। और बिहार को फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हमारी मांग यही है कि जो नोटिफिकेशन है उसका पालन हो। BPSC शिक्षक बहाली का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन छात्रों में जो है अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीट खाली रह गई है उसके बावजूद भी जो है भरा नहीं गया है, तो छात्र काफ़ी नाराज हैं। और इस वक्त हम BPSC आयोग के सामने मौजूद हैं, जहां पे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंच गए हैं। अपनी मांगों को लेकर के हमसे बात करेंगे, क्यों आए हैं आयोग, क्या मांग है? मेरा नाम कुमारी प्रियंका है। अच्छा। मैं 10+2 इंग्लिश सब्जेक्ट से 11th-12th की मैं एग्जाम अभ्यर्थी हूँ। अच्छा। मेरा इंग्लिश का महिलाओं का 32% था, यानी कि 39 नंबर में पास करना था। 40 नंबर में पास। हाँ, लेकिन मेरा मार्क्स आया है 50। 50 आया, उसके बावजूद भी नहीं, नहीं उसके बावजूद भी हमको जॉब रिजल्ट नहीं आया है। नहीं आया, जिसमें 3535 सीट है, 1100 सीट अभी वैकेंट है, 1200 सीट सीट वैकेंट है। हाँ। फिर भी सर ने मेरा रिजल्ट नहीं दिया है। अच्छा। और URF में सीट रहते हुए भी उन्होंने हमें रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा। जिसमें EWS के अभ्यर्थियों को URF में डाला गया है। अच्छा। और EWS के अभ्यर्थियों का 208 सीट वैकेंट रख दिया। अच्छा। गया। मैं उनसे सविनय निवेदन करती हूँ कि सर आप हम लोगों पे दया करके, क्या लग रहा है रिजल्ट जारी हो गया, उम्मीद है कि आयोग फिर से रिजल्ट जारी करेगा? अतुल सर तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले इंसान है, बहुत ही जेन्युइन इंसान है। उन्होंने एग्जाम भी बहुत जेन्युइन तरीके से लिया, इसलिए उनसे इतनी उम्मीद है, तभी आज मैं BPSC के गेट के सामने खड़ी हूँ। अच्छा। कि मैं उन अपनी रिजल्ट को लेकर कि मेरी आवाज़ उन तक जाए और उनको मेरे प्रति सोचने के लिए आजिज कर दे कि मैं क्या गलत तो नहीं हूँ। क्या कहेंगे? हाँ, बस हम भी अतुल सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि रिजल्ट को, जो इंग्लिश का रिजल्ट, मुझको 58 मार्क्स है। 58 मार्क्स है। हाँ। 39 में पासिंग है, उसके बावजूद भी नहीं है। नहीं है। देखिए गोद लेकर बच्चा लिए हुए हैं, गोद में आप भी पहुँचे हैं, क्या हुआ है, कितना मार्क्स आया है रिजल्ट में? मेरा रिजल्ट तो हो गया, बट मतलब जो जिला चुने थे वो जिला नहीं दिए। अच्छा, रिजल्ट हो गया है, जो जिला चुने थे वो नहीं हुआ। जी देखिए, और भी छात्र हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो काफ़ी परेशान है। और देखिए बैठ गए, आयोग के सामने ही बैठ गए, हमसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लोग का इशू ये है, इसलिए बैठे हैं कि अतुल प्रसाद जी, माननीय अतुल प्रसाद जी कल कॉन्फ्रेंस किए कि ये नहीं है 1 रिजल्ट पर 1 ही कैंडिडेट का होना था नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग, लेकिन अतुल सर के द्वारा कल PC में बोला जाता है कि 1 सीट पर 1 कैंडिडेट का 2 सीट पर होगा, जो PGT यानी 11th-12th में भी होगा और 9th-10th में भी होगा। इससे जो होगा कि बहुत सारे पेपरबाजी पर कहेंगे कि हमने जॉब कर दिए। अच्छा। जॉब दिए, बहुत सारे नौकरी दिए। अच्छा। लेकिन ये जुनून बात है कि इसमें जो सीट का है वो सेंधमारी किया जा रहा है। अच्छा। जैसे कहने का मतलब 11th-12th में जब एक बच्चा कैंडिडेट का हो जाएगा तो फिर 9th-10th में क्या जरूरी है उनको देना? फिर 9th-10th में जो बच्चा है नीचे उसको ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें और सबको उन कैंडिडेटों को जॉब प्राप्त। तो उसने ये नोटिफिकेशन बोलता है, हम नहीं बोलते, नहीं अतुल प्रसाद माननीय बोलते, इसलिए एक सीट पर एक ही का रिजल्ट हो। अच्छा। बस हम लोग का मेन मुद्दा ये। उनका कहना है कि मान लीजिए कि जिन छात्रों का तीनों जगह हो गया, हो सकता है कि 11th-12th में
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे तो फिर दूसरे में नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि पहले 11, 12 का ही पूरा कम्प्लीटली करा लीजिए, उसके बाद 9, 10 का कराइएगा, उसके बाद 1, 2, 5 का कराइएगा, तो फिर तो कोई मुद्दा नहीं ना रहेगा। तो मैं हम लोग का यही मांग है कि 11, 12 का पूरा करा लीजिए, उसके बाद ही 9, 10 का 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए। और भी छात्र क्यों बैठ गए? हाँ, हम लोग का मुद्दा है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, जिन लोग का 11, 12 में रिजल्ट हो गया है वह जो है से कि फिर 9, 10 में क्या सीट जो है से वैकेंट रह जाएगा। इसके लेकर के हम लोग चाहते हैं कि पहले 11, 12 का रिजल्ट हो जाए पूरा कंप्लीट और पूरा ज्वाइन कर ले। क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप उनका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हम पहले ऊपर से रिजल्ट को जारी करेंगे और उसी के आधार पर पहले ऊपर वाले को ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद मतलब कि 9, 10 का रिजल्ट देंगे और फिर उन लोग का ज्वाइन कराएंगे 9, 10 वाले को। इसी लेकर के हम लोग देखिए 9, 12 का करवा ले, उसके बाद जो है नीचे लेवल का 9, 10, 1, 2, 5 क्या मांग है? आप बैठ गए हैं आयोग ऑफिस के सामने, आयोग ऑफिस के सामने हम लोग का सर डर नहीं लगता? काहे ला डर लगेगा? जब सरकार आए सर, जब सरकार को अतुल प्रसाद जी का डर है ना है, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, विज्ञापन के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे सर जी रिजल्ट दिए हैं लेकिन विज्ञापन में लिखा हुआ है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और ये आप कह रहे की वन कैंडिडेट अनेकों रिजल्ट, ये कह रहे हैं। तो सर हम लोग एक ही मांग है की आप सर जो नियमावली है जो विज्ञापन है उसके अनुरूप हमको बोला हमारे मांगे पूरी करो, गाड़ी नहीं दंड देंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी मांगे पूरी करो किनारेबाजी कर रहे हैं। क्यों बैठ गए हैं? क्या मांग है? मांग है कि जो विज्ञापन है विज्ञापन का पालन किया जाए, और अतुल सर खुद बोले थे कि 11, 12 में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएंगे उसका डीवी करवा लेंगे, उसका काउंसलिंग करा लेंगे, और जो बच्चे बचेंगे उसको जो इलिजिबल है 9, 10 के लिए माध्यमिक स्कूल के लिए उस स्कूलों में उन बच्चों को लाया जाएगा ताकि मैक्सिमम सीटें भरी जा सके और बिहार को शिक्षक दिया जा सके। लेकिन कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर बोले हैं कि एक कैंडिडेट को रिजल्ट 11, 12 में भी और 9, 10 में भी दिया जाएगा, तो सर इस प्रकार से दो जगह कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, इसलिए अधिकांश सीटें जो 9, 10 का है वो खाली रह जाएंगी, बहाली नहीं पूरी हो पाएंगी, और बिहार को फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तो बहाली आ रही है ना, फिर बहाली आएगी वो अलग बात है। बात यह है कि हम लोग 2016 से ही बैठे हुए हैं, 2019 में 3-3 बार एस्टेट दिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग चाह रहे थे कि कब वैकेंसी आए, वैकेंसी 2019 के बाद 23 में आई है, इसके बाद अब कितना दिन इतना लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद, और एक लगा था उम्मीद जगा था कि बीपीएससी जब नियुक्ति करवा रही है तो हमको लगा था कि अच्छे से पारदर्शिता के साथ होगा, एग्जाम तो पारदर्शिता के साथ हो गया, लेकिन अब जो रिजल्ट है रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं दिखाई पड़ रही है, अभी तक कट ऑफ नहीं दिया गया है, डीवी करवाए हैं तो डीवी करवाए तो फिर कहाँ छटेगा बच्चा? एक बच्चे को एक जगह रिजल्ट दीजिए ना, जो कि नोटिफिकेशन में कहा गया है। हमारी मांग यही है कि जो नोटिफिकेशन है उसका पालन हो, बस जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसका पालन हो, यानी जो नोटिफिकेशन में एक छात्र का एक ही जगह रिजल्ट जो देने की बात कही गई थी उसे जो है प्रकाशित करना चाहिए। वहीं पे कुछ छात्रों का आरोप है कि हमारा जो है मार्क अच्छा खासा है उसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया जबकि सीट वैकेंट रह गई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।